नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहे, रंगीन राहे ए रोड टू सक्सेस ए रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, ये आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन मैं एक्टिंग के रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा साथ मिलता है। मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी हो रही है, आप लोग साथ में जुड़ते जा रहे हो और हर वीडियो का आप इंतज़ार करते हो जो आपने DM में लिखा है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। और नए कलाकार हो या तो बाहर के कलाकार हो या तो जो भी एक्टर एक्टिंग कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि आज का सवाल ही कुछ ऐसा है कि बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर, हम तो ऑडिशंस के लिए जाते हैं लेकिन हम पास नहीं होते, हमें ऑडिशन क्रैक नहीं कर सकते हो। तो क्यों क्रैक नहीं कर सकते हो, वो भी आप जानिए, और कैसे क्रैक करना है वो भी जानिए। और ये अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ ये बात अपने ध्यान में रखोगे, लिख के रखोगे और रोज़ उपयोग करोगे, तो ज़रूर आप 100% ऑडिशन में पास भी हो जाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग तो सभी लोग जाते होंगे ऑडिशंस में लिए और ऑडिशंस देते भी होंगे, बहुत अच्छी तरह से देते होंगे और बहुत अच्छी तरह से क्रैक भी करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा समझते हैं कि हम पास हो जाएंगे, हम तो या तो हमारा ये ऑडिशंस क्रैक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता उसके बारे में आज मैं बताऊँगा। क्योंकि बहुत सी बार कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है, गलतियाँ नहीं, क्योंकि ऑडिशंस के जो भी मोनोलॉग्स होते हैं उसे समझने में कभी गलती हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा उसमें लिखा नहीं होता, सिर्फ डायलॉग होते हैं। लेकिन वो डायलॉग किस कैरेक्टर से कैसे कनेक्टेड है वो अगर आपको मालूम नहीं होगा, तो आप रिएक्शन या तो एक्शन कैसे करोगे या तो एक्सप्रेशन कैसे दिखाओगे। तो दोस्तों, जब भी आप ऑडिशंस के लिए जाइए, जब भी आप जाओगे तो मोनोलॉग आपको मिलेगा। मोनोलॉग में सिर्फ लिखा होगा कि आप एक छोटे से, मतलब गरीब परिवार से हो और आपको नौकरी मिल गई है। आपको एक ही डायलॉग लिखा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा नहीं लिखते कि कैरेक्टर क्या है, क्या क्या करता है, वो कुछ नहीं लिखा। तो आपको जानना है, तो वहाँ से वो बोलेंगे कि आपको सिर्फ एक डायलॉग है कि माँ मुझे नौकरी मिल गई, उतना डायलॉग है। तो बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग ऑडिशन देते हैं, लेकिन वो आगे पीछे का कुछ जानते नहीं है, रेफरेंस जानते नहीं, वो कैरेक्टर क्या है उसके बारे में कुछ जानते नहीं, या तो फिर जो भी जो वातावरण में ये कैरेक्टर है, यानी जो भी एटमॉस्फेयर में वो रहता है, क्या गरीब है, पैसे वाला है, कैसा है, या तो कैसे वो रिएक्ट करेगा ये बात, अपनी माँ को सिर्फ एक ही डायलॉग बोलना है। अगर वो खुश है या तो पैसे वाला है तो कैसे बोलेगा, और वो गरीब है जिन्हें नौकरी की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि उसकी माँ ने कैसे भी करके उसे पढ़ाया लिखाया, और आज नौकरी मिलने से वो अपनी माँ के लिए कितना बड़ा बोझ उसका उठा लेता है, वो भी हो सकता है। तो उस वक्त वो कैरेक्टर कैसे करेगा। तो आपको हमेशा कैरेक्टर को, डायरेक्टर को या तो ऑडिशन जो भी लेते हैं उसे पूछना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक मैं बात कहूँगा, मुझे बात याद, मैंने कहीं पढ़ी थी कि राजेश खन्ना साहब जब शूटिंग के ऑडिशंस के लिए जा रहे थे, फिल्म फेयर, आपको तो मालूम है वो फिल्म फेयर के कंपटीशन में जीत के आए थे, लेकिन उनको एक ही डायलॉग मिला था उस वक्त कि माँ मैं पास हो गया, ये एक डायलॉग था। तो उन्होंने तो पूछा, वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर वाले कोई थे नहीं, वहाँ पे तो बड़े बड़े दिग्गज जय ओम प्रकाश और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, वो लोग ये ले रहे थे। तो वो ये जानना चाहते थे कि ये कैरेक्टर कैसे बोलेगा। सिर्फ एक ही डायलॉग दिया था, माँ मैं पास हो गया, बस उतना ही। अगर कोई दूसरा कैरेक्टर होता या तो दूसरा कोई भी होता, तो सिर्फ डायलॉग बोल के आ जाता और उसमें शायद पास नहीं हो पाता। तो राजेश खन्ना जी ने उनसे पूछा कि सर, ये कौन है, ये लड़का क्या है, कैसा है, उसके फादर है या नहीं, ये सब बहुत से प्रश्न पूछे, उनके फादर है या नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें क्या मतलब है उससे फादर है या नहीं है, आपको तो सिर्फ बोलना है, डायलॉग बोलना है। फिर पूछा, फादर नहीं है, ठीक है, उसकी माँ है, माँ कैसी है, पैसे वाली है या तो कमा रही है, बहुत अच्छी जॉब पे है और उसने पढ़ाया है, या तो फिर एक गरीब मामूली सी है जिसने मेहनत करके आजू बाजू में जाके बर्तन मांज के अपने भूखे रह के बेटे को पढ़ाया है, तो वो है। तो उन्होंने कहा, हाँ वो ये है। तब राजेश खन्ना ने इमोशंस के साथ जुड़ गए
उन्होंने जो डायलॉग बोला था कि माँ मैं पास हो गया, तो कैसे कहेगी? कितनी खुशी से पास हो गए, क्योंकि उसे खुश हो रहा है और उसे मालूम है कि अब हमारी गरीबी दूर चली जाएगी, माँ को काम नहीं करना पड़ेगा दूसरों के घर में। तो एक्चुअली डायलॉग बोल ही नहीं पाएगा, माँ मैं पास हो गया, तेरा बेटा पास हो गया, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दूसरों के बर्तन मांगने की जरूरत नहीं है। देख तेरे हाथ बर्तन मांजते मांजते कितने कठोर हो गए कि क्या बताऊं, अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा पास हो गया, नौकरी करेगा, अब तुझे घर पे बैठ के खिलाएगा, तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये डायलॉग जो था राजेश खन्ना ने इतने प्यार से बोला, इतने अच्छी तरह से बोला कि सभी लोग ने ताली बजा रही और वो पास हो गए ऑडिशन में, फिल्म फेयर के ऑडिशन। तो ऐसे ही ऑडिशन होते हैं, कोई किसी को कुछ बताता नहीं, अगर आप पूछोगे तो बताएंगे वो लोग कि ये किस रेफरेंस में है, किस तरीके से बात होती। तो ये एक डायलॉग था, माँ में पास हो गया वाला डायलॉग तो था। मुझे भी ऐसे एक, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने भी, मुझे मालूम था राजेश खन्ना जी की ये बात सब मालूम थी, तो मैंने तो जाके पूछा कास्टिंग डायरेक्टर से, तो बोले तुम सवाल बहुत करते हो, तुम कैरेक्टर हो तो कर लो, उसमें क्या है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कैरेक्टर का सब कुछ जानना चाहूँगा, सॉरी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा किस रेफरेंस से बोल रहा है, वो कैरेक्टर कैसा है, गरीब है, पैसे वाला है, अमीर है, कैसा है। तो वो कैरेक्टर एक गरीब था, उसकी माँ भी गरीब थी, टीचर थी, बहुत कुछ, महीने के एक तारीख को पे सैलरी आती थी समझो टीचर की, और 5 तारीख को तो ख़त्म हो जाती थी, 5 तारीख के बाद दूसरों के सामने हाथ मांग के ये करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया। तो ये जब मैंने बैकग्राउंड जाना तो मुझे एक ही डायलॉग बोलना था, सिर्फ खुश होके आता है, माँ मुझे नौकरी मिल गई, माँ मुझे नौकरी मिल गई, अब तुझे ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब कमाएगा, मुझे मालूम है मेरे पिताजी के जाने के बाद तुमने बहुत मेहनत की है, लोगों के बर्तन धोए, लोगों के घर में पोछा बर्तन किया, वो दिन मुझे याद है, लेकिन माँ देखना मुझे जो प्यून की नौकरी मिली है उसी से मैं बन के बड़ा बन के क्लर्क बनूंगा, अफसर बनूंगा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे माँ, अब तो खुशी के दिन आ गए। तो ये मैं बोलते गया तो वो लोग ने बोला ये फिर किसी को याद आया कि ये तो डायलॉग है ही नहीं, लेकिन फ्लो में जो बोलते गया तो किसी की मतलब कोई बोला ही नहीं कि उसे रोको, ये डायलॉग पूरा उन्होंने लिया। फिर अचानक किसी ने कहा सर कट, फिर डायरेक्टर को याद आया, वो कट किया उन्होंने, मैं तो इमोशंस में बह गया था, मैं साइड पे चला गया, वो बाद में मैं तो चला गया, मैं बोला अंदर जाके रूम में जाके बैठ जाता हूँ, और मैंने अपना रूम में जाके बैठ गया। और जी मुझे अचानक जो ये बात आई तो उसमें से मैं निकलने के लिए मोबाइल से मैं म्यूज़िक सुनने लगा, तो थोड़ी देर के बाद में हो गया। तो उसके थोड़ी देर के बाद वो डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा विपिन आपने मुझे सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर कैरेक्टर को जानना ज़रूरी है कि वो किस बारे में है, कैसा है, उसकी पार्श्वभूमि भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप ये जानोगे तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर पाओगे और हर ऑडिशन में पास ही हो जाओगे, बहुत जल्दी टॉप पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों ये है कुछ बातें मेरी, तो आप लोगों को शायद मदद मिलेगी। तो दोस्तों ऑडिशन ऐसे देते हैं, ऑडिशंस में इमोशंस ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे लिखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ये बात
मुझे आज कैसे याद आई, किसी ने मुझे पूछा था कि सर एक ही डायलॉग था और हम तो बोल के आगे लेकिन जवाब में कुछ आया नहीं है, तो मैं बोला उस उतने से एक शब्द एक वाक्य का भी बहुत बड़ा गहरा असर होता है, इसीलिए आपको पूछना चाहिए। पूछने में कोई गलती नहीं है, डायरेक्टर को पूछिए या तो असिस्टेंट है उनको पूछिए, पूछने में कोई बुराई भी नहीं है, रेफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा मुझे लिख के भेजिएगा, ऐसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो उसको मदद हो। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।